नमस्कार, स्वागत है आपका JNI न्यूज में और मैं हूं दिवाकर रावत आपके साथ। बहराइच से बड़ी खबर आ रही इस वक्त की, आपको बता दें मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी, कुछ ही समय में शुरू होगी मतगणना। विधानसभा चुनाव को लेकर होने वाली मतगणना के लिए समस्त मतगणना कर्मी मतगणना स्थल पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें 3 लेयर सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना कराई जाएगी, थोड़ी देर में रुझान आना शुरू हो जाएंगे। बहराइच पुलिस अधीक्षक और DM जिलाधिकारी ने क्या कहा, आइए देखते हैं अब्दुल कादिर की खास रिपोर्ट में। अरे इसको रिक्शा को आने देना भाई। सभी प्रत्याशियों से, उनके समर्थकों से अपील करता हूँ कि वो शांतिपूर्ण मतगणना में अपना योगदान दें और जो भी परिणाम आएगा उसको लोकतांत्रिक तरीके से स्वीकार करें। हार जीत के बाद कोई बड़े जुलूस न ही किसी कंट्रोल रूम में कुर्सी और मेज भिजवा दें। कंट्रोल रूम में दो कुर्सी भिजवा दें। आपसी बात विवाद में न उलझे और अगर जो भी व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश करेगा या जो भी उसमें बाधक बनेगा उसके लिए जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था है वो उसी चीज को रोकने के लिए और मतदान को मतगणना को शांतिपूर्ण संपन्न करेंगे। व्यवस्थाओं को लेकर हमारे सभी मतदान कार्मिक अपनी अपनी ड्यूटी पहुँच रहे हैं और पहुँच चुके हैं। साथ ही जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि पूरी EVM की गाइडिंग उसको टेबल तक ले जाने और पूरी सुरक्षा का जिम्मेदारी पैरामिलिट्री फोर्स की, उसको पालन किया जा रहा है और अभी अभिकर्ताओं की आने पर और मान्य प्रेक्षक महोदय की उपस्थिति में नियत समय पर स्ट्रॉन्ग रूम खुलेंगे। समस्त व्यवस्थाएं पूर्ण हैं और मैं सभी राजनीतिक दलों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि वो लगातार सुचितापूर्ण ढंग से मतगणना को संपन्न कराने में अपना पूरा सहयोग प्रदान कर रहे हैं और पूर्ण आशा है कि आज का जो मतगणना होगी वो अच्छे ढंग से होगी। संयम और धैर्य के साथ सभी कार्मिक मानक निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार मतगणना करेंगे और सभी लोग, मैं एक बार पुनः सभी जितने भी लोग यहाँ पर मतगणना परिसर में हैं उनसे अनुरोध करूँगा कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 128 के अंतर्गत मतगणना की गोपनीयता को बनाए रखेंगे जिससे कि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति